आप सभी को जय श्री महाकाल। कैसे आप, उम्मीद करते से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में सावन कब से शुरू होगा, सोमवार कितने आएंगे, पूजा पाठ कैसे करनी है, महाशिवरात्रि का पर्व कब है, जल चढ़ाने का उचित समय क्या है, काल सर्प दोष, पितर दोष, कुंडली का पितर दोष, जिंदगी का पितर दोष, पीढ़ियों का पितर दोष, या किसी भी प्रकार से कोई ग्रह की वक्र दृष्टि, शनि की साढ़े साती इत्यादि से निवारण का निःशुल्क उपाय आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप श्रद्धा के साथ ये काम करोगे तो हर हाल में आपका काम बनेगा। वैसे भी जो चार महीने होते हैं, जिस समय देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक के बीच का जो समय होता है, उस समय में सभी दैवीय शक्तियां अपनी गहर निद्रा में चली जाती हैं। इस दौरान केवल और केवल भगवान शिव जागृत रूप में त्रिलोकी का भार संभालकर कार्यरत होते हैं। और सावन तो वैसे ही भगवान शिव के लिए है। सावन के महीने में विशेषकर जो साधक हैं वो सिद्धियां करते हैं। कुछ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए हरिद्वार से कावड़ इत्यादि लाते हैं। तो इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इस बार सावन में चार नहीं, पांच सोमवार हैं। सावन की शुरुआत भी सोमवार से होगी और सावन का अंतिम दिन भी सोमवार ही रहेगा। इस बार 2 अगस्त को महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। 2 अगस्त को शुक्रवार के दिन आप सुबह 5:45 से शाम को 7:50 के बीच में जल चढ़ा सकते हो। पूरा दिन अति उत्तम है, शुभ मुहूर्त है, कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना के लिए बैठे हो या कोई भी दोष आपकी जिंदगी में प्रभाव डाल रहा है, तो आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प लो कि पूरे सावन महीने, पूरे एक महीने में हम किसी भी अपने नजदीकी शिवलिंग के पास जाकर घर से जल लेकर जाएंगे और सिर्फ एक लोटा जल, और कुछ भी नहीं, कोई बेलपत्र नहीं, कोई दूध नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई भोग नहीं, कोई दीपक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठ जाओ, अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखो, मंदिर का मुख कहीं भी हो, शिवलिंग का कहीं भी हो, अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखो। मान के चलो ये जल आप लेकर गए हो, अपने दाएं हाथ में जल लो, वहां बैठ के सिर्फ जल लेके जाना है और उसमें कुछ भी ना हो, जल हाथ में लेकर संकल्प करना है। संकल्प का मतलब है कि हम भगवान शिव को अपना पता बता रहे हैं, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, क्योंकि शिवलिंग अपने आप में पूरा शिव परिवार है भाई। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। लड़के और अनमैरिड लड़कियां पिता का नाम बोलेंगी, मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी। एक और नीचे कमेंट अक्सर आता रहता है कि हमारा तलाक हो चुका है तो अब हम किसका नाम बोले, फिर आप पिता का ही नाम बोलोगे। मेरे पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है और पवित्र सावन शुरू हो गया है। मैं यह संकल्प करता हूं कि पूरे एक महीने तक, मैं सिर्फ आपको बोलकर बता रहा हूं, मैं संकल्प ले नहीं रहा हूं भाई, मैं एक महीने तक आपके यहाँ इस पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक करूंगी। इस समय हम इस परेशानी से पीड़ित हैं, हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। आप ओघड़दानी हैं, महावरदानी हैं, देवों के देव हैं, काल के भी काल हैं, आप समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। अब आगे जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आप जगत पिता जगत माता हैं, आप मेरी तरफ मत देखना, मेरे अवगुणों की तरफ मत देखना, मैं किसी भी प्रकार से आपके लायक नहीं हूं। लेकिन हमने संतों से सुना है, गुरु महाराज से सुना है कि आप ओघड़दानी हैं, आप अन अधिकारी जीव को भी अधिकारी बना देते हो, जो किसी के लायक होता ही नहीं उसको भी वो चीज दे देते हो। आप तो सब कुछ करने में सक्षम हो, क्या इस छोटी सी चीज को मुझे देने में आपको कोई शर्म आती है? हे भगवान शिव, माता पार्वती, मैं मानता हूं मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप आ सकते हो। मैं मानता हूं मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, लेकिन लायक आप बना सकते हो। आप प्रभु श्री राम और माता सीता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए। फिर अपनी मनोकामना बोलकर जल को वही नीचे की ओर डाल देना। अब भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना है, जल चढ़ाना है, क्या बोलते हुए, जय राम, जय जय राम, सीता राम, मेरे राम,
प्रभु राम, यानी प्रभु राम और माता सीता का नाम लेते हुए जो भी आपसे बोला जाए, जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, प्रभु राम, हमारे राम, कुछ भी बोलकर, यानी भगवान श्री राम और माता सीता को याद करते हुए आपको जलाभिषेक करना है। उसके बाद अगर वहाँ आपको समय मिले तो थोड़ा बहुत सेवा कर दो, समय ना मिले कोई बात नहीं, अपने घर आ जाओ। हर रोज नियम बनाओ, मैं कहूँगा सुबह का नियम बनाओ, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे वो खुद का व्यापार करता हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करता हो, वो सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता ही जाता है, चाहे वो खेती करने वाला एक किसान क्यों ना हो। सुबह का समय लीजिए, ये भी याद रखिए, परेशानी आपको है तो आपको ही जाना है, ये नहीं कि उसको परेशानी है, वो वहां रहता है, उसके नाम का मैं चला जाऊं। अभी देखना नीचे कमेंट आएंगे इस चीज के, मेरी बेटी है ना, वो एक्चुअली क्या है ना, वो जा नहीं सकती। भाई भूख उसको लगी है तो वही जाएगी, ये फालतू के कमेंट आप ना करें, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। रही बात ये कि अब जिन महिलाओं को मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो क्या करें, आपका इस समय व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, आप उन दिनों में मंदिर ना जाएं, फिर दोबारा से जाना शुरू कर दें, आपका पूरा एक महीना ही माना जाएगा। ये मत सोचना कि इतने दिन मैं नहीं जा पाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चिंत तो होकर उन दिनों में सावधानी बरतिए, बाकी आप भगवान शिव के, जब लगे ना कभी, को और ट्रिक बताता हूँ, लगे कि मासिक धर्म की प्रक्रिया है, काफी प्रेमियों ने बोला कि आप तो बिल्कुल खुलकर बोलने लग जाते हो, भाई देखो ये छुपा नहीं, क्या बात है, नेचुरल सी बात है, और गॉड गिफ्टेड है ये चीज, तो भगवान का शुक्र मनाओ। उस समय घर पर बैठो, किसी भी एकांत स्थान पर, कोई आसन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, वहां बैठकर आंखें बंद करो, हाथ जोड़ लो, और मन मन में, आपकी आवाज आपको भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, मन मन में ऐसा सोचो, मैं घर पर हूं, लोटा उठाया, मंदिर गए, सामने भगवान शिव बैठे हैं, हाथ में जल लेके संकल्प किया, जल चढ़ा दिया, बस। मानसिक संकल्प ही वास्तविक संकल्प में बदल जाएगा, मानसिक जलाभिषेक ही वास्तविक जलाभिषेक बन जाएगा। हर रोज संकल्प लेना है, सुबह जिस दिन, पहले दिन जिस समय गए हो उसी दिन जाना है, उसी समय जाना है, उसी हिसाब से जाना है, और उसी व्यक्ति को जाना, घर में पांच सदस्य हो पांचों जाओ, कोई भी मनोकामना, हर रोज सिर्फ एक मनोकामना बोलनी है। और मैं भी यहाँ प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव आपकी किसी जायज मांग को जरूर पूरा करें। अब यहाँ इन चीजों के लिए मत जाना, बाबा उससे शादी करवा दे, बाबा उससे विवाह करवा दे, बाबा नहीं, किसी जरूरी मनोकामना को लेके जाना, अपनी जिंदगी बनाइए, भविष्य बनाइए, भविष्य बहुत ही मजबूत है, आपके माता पिता प्रतीक्षा में है कि हमारा बच्चा कामयाब होगा, याद रखना। आप ये सब काम करने के लिए नहीं आए हो पृथ्वी पर, अब बच्चे पैदा करना, शादी करना, मर जाना, ये तो कुत्तों का भी काम है, ये तो जानवरों का भी काम, ये आपका नहीं है भाई, ये हमारा काम नहीं है। आप पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव के सामने वही अरदास लगाइए जो जरूरी है। भगवान शिव सरकारी नौकरी चाहिए, माता पिता के जिंदगी का सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल है, कुछ मजबूत चीजें लेके। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, शहद से पत्ता चिपकाया और काम चल गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना। विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास बहुत गलत बात है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भगवान से जोड़ना है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं। काफी प्रेमियों के कमेंट आए आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। काफी प्रेमियों ने कहा आपके पास मैसेज नहीं होता, कॉल नहीं होती, पता है क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ग्रुप से जुड़ते ही हमारा नंबर लेके एग्जिट कर जाते हैं, प्राइवेसी लगाई हुई है भाई, जो ग्रुप में है उसी से बात होगी, अन्यथा नहीं होती किसी से भी, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, दिन में इतनी सांस नहीं लेता जितनी कॉल आती, क्या करूँ कहाँ जाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी, अन्य प्रेमियों को जरूर सुनाना, इससे हम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज आपके विशेष सहयोग से और ठाकुर जी की कृपा से आपका यह चैनल श्याम जगत का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है, इसके लिए आप तहे दिल से आपके आभारी हैं। अपना प्यार प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। जय श्री सीताराम।